नमस्कार दोस्तों। तो आज हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है 23 फीट बाय 23 फीट का एक 2 BHK हाउस प्लान। एक सिंपल सा स्मॉल विलेज प्लान है, 529 स्क्वायर फीट में हमने ये 2 BHK प्लान सेट किया है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये फ्रंट साइड है 23 फीट ये, और ये भी 23 फीट फ्रंट में। यहाँ पे हमने एक छोटा सा वरामदा प्रोवाइड किया है। वरामदा की साइज रखी है 9 फीट x 3 फीट। तो मेन एंट्रेंस डोर वरामदा से जैसे अंदर आते हैं, सामने एक छोटा सा लिविंग एरिया प्लान किया है, हॉल एरिया। और लिविंग एरिया के अंदर से ही हमने ये स्पाइरल स्टेयरकेस दी है, ये जो गोलाई वाली सीढ़ी होती है ना लोहे की, वो, क्योंकि उसके लिए जगह कम लगती है और हमारे पास ऑलरेडी जगह कम है, तो हमने ये स्पाइरल स्टेयरकेस यहाँ पे डिज़ाइन की है, प्लान की है। इसका डायमीटर रखा है 4 फीट। ये आपको ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक एक्सेस दे देगी और काफ़ी कम जगह में ये बढ़िया से बन जाती है। लिविंग एरिया की साइज रखी है 12 फीट x 8 फीट। तो 12 फीट x 8 फीट, जिसमें से 12 फीट x ये इस डायरेक्शन में रहेगा और 8 फीट x जो है आपका ये इस डायरेक्शन में रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ये ओपन किचन कम डाइनिंग यूनिट है, ओपन किचन प्लस डाइनिंग स्पेस। और इसकी साइज हमने रखी है 9 फीट x 10 फीट, जिसके अंदर हमने एक छोटा सा पूजा रूम भी प्लान किया है। 9 फीट ये इस डायरेक्शन में रहेगा और 10 फीट जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। यहाँ पे ये छोटा सा मंदिर, साइज इसकी 3 फीट बाय 3 फीट। लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये पहला वाला बेडरूम 1, साइज इसकी है 9 फीट बाय 8 फीट। टोटल प्लान एरिया कम होने की वजह से बेडरूम साइज भी हमें काफी कम मिल रहा है, तो 9 फीट ये इस डायरेक्शन में और 8 फीट x जो है ये इस डायरेक्शन में। इसका दरवाजा लग जाएगा D1, यहाँ पे भी ये D1। ये दूसरा बेडरूम 2, 9 फीट बाय 8 फीट। तो ये 9 फीट इस डायरेक्शन में और 8 फीट x जो है वो ऐसा वर्टिकल। यहाँ पे इस कोने पे ये टॉयलेट बाथ यूनिट है। टॉयलेट बाथ यूनिट की साइज है 9 फीट बाय 4 फीट। साइज हमने बड़ी रखी ताकि वॉशिंग एरिया भी हम इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका दरवाज़ा ये D2, और बाहर निकलने के लिए और एक हमने मतलब यहाँ पे दरवाज़ा दिया है 3 फीट का, ये D1। ये 3 फीट का वाइड पैसेज है। तो इस तरीके से ये सिंपल सी प्लानिंग है। ब्रिकवर की थिकनेस जो मोटाई है 6 इंच है, ये बाहर वाली दीवार और ये है अंदर वाली दीवार, दोनों की साइज सेम ब्रिक पर थिकनेस। इसका टोटल एरिया कंस्ट्रक्शन एरिया 23 फीट x 23 फीट तो बनेगा 529 स्क्वायर फीट। और एक अप्रोक्सीमेट हम कॉस्ट निकालते हैं तो 529 × 1200 तो वो लगभग कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बनेगी 529 × 1200, 6,34,800। इससे कम भी हो सकती है क्योंकि सिंपल सा प्लान है ये, हमने थोड़ा सा हायर साइड में कंसिडर किया है। बाकी विंडो ओपनिंग्स मैंने यहाँ पे शो किए है। दरवाजे की साइज जो मेन एंट्रेंस डोर है 3 फीट x 7 फीट का है। बेडरूम का दरवाज़ा 3 फीट x 7 फीट का है। टॉयलेट बाथ का दरवाज़ा 2 फीट x 7 फीट का है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो और ये प्लान। आपको प्लान कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। खत्म करते वीडियो, मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में और एक बढ़िया हाउस प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।